नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं और मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई, सियासी लड़ाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की सौगात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को दी है। भाजपा जहां इस फैसले को ऐतिहासिक कह रही है, वहीं कांग्रेस नेता इसे छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला फैसला बता रहे हैं। मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई को लेकर प्रदेश में हो रही सियासत पर आज हम करेंगे अखाड़ा में बात, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उसे साझा करते हैं आप सभी के साथ। हिंदी में लिखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दवाई का नाम क्रोसिन लिखना है तो क्रोसिन हिंदी में नहीं लिखी जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या परेशान? ऊपर श्रीहरि लिखो और क्रोसिन। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के डॉक्टरों को सलाह दे रहे हैं कि डॉक्टर अपने पर्चे पर आरएक्स की जगह श्रीहरि लिखें और दवाइयों के नाम हिंदी में लिखें। मुख्यमंत्री की इस सलाह के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बहुत ही गलत किया है। मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है, हिंदी में पढ़ाई कराने से छात्रों को कई परेशानियां आएंगी। ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक फैसला सरकार ने लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेडिकल का कोई भी कोर्स हिंदी में है नहीं, हमेशा से अंग्रेजी में रहा और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इतने डिफ़िकल्ट हैं कि उनको कन्वर्ट करने में लंबा समय लगेगा। और चिकित्सा एक ऐसी आकस्मिक सुविधा है जो प्रतिदिन चाहिए, तो अब बच्चों का अगर जो लाश होगा उसका सरकार ही जवाब दे पाएगी कि उन्होंने जो ये परिवर्तन करा उसकी तैयारी क्या करिए, क्योंकि जो कल दृश्य दिखाए गए उसमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि कोई तैयारी होगी, लेकिन हाँ ये अच्छी स्थिति नहीं है। उधर युवक कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले का विरोध किया है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का कहना है कि उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है, इसलिए वे जानते हैं कि हिंदी में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहेगा। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट को ना तो नौकरी मिलेगी और ना ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने के योग्य रहेंगे। देखिए, हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि हिंदी में करना चाहते हैं, पर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी तो इनको पता होना चाहिए। कल जो अमित शाह जी और इनने बुक्स का जो विमोचन करा है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें एनाटमी लिखा हुआ है, वो इंग्लिश का वर्ड है। उसमें फिजियोलॉजी लिखा है, वो इंग्लिश का वर्ड है। उसमें हिंदी में ही लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, वो इंग्लिश का वर्ड है। तो आपने परिवर्तन क्या करा? आप परिवर्तन क्या कर रहे? कुछ परिवर्तन नहीं कर, मजाक बना कर। उसमें लोअर लिम लिखा हुआ है, अरे ये तो समझ लो कि लिख क्या रहे हो। लोअर लिम का मतलब होता है पैर, तो पैर लिखो तो सही कि पैर है। इंग्लिश का वर्ड लोअर लिम, वो हिंदी में भी लोअर लिम लिख लें। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई को लेकर दी गई सौगात को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस विरोध तो कर रही है, लेकिन पार्टी में पहली बार संयम बरता जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने डॉक्टर के पर्चे पर श्रीहरि लिखने को लेकर कोई विरोध नहीं जताया। वहीं सरकार मेडिकल के बाद आने वाले समय में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई कराए जाने की तैयारियों में जुट गई है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो अब इस पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ साथ कौन बैठे हैं आज हमारे पैनल में? आज हैं दिव्या गुप्ता जी, और जो कि BJP का पक्ष रखेंगी। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला जी रहेंगे, और आनंद जाट जी हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। आप सभी का स्वागत है बहुत। और पहला सवाल आनंद जाट जी से है। आनंद जी, क्या दिक्कतें आएंगी? वैसे तो देखिए, हमारी मदर टंग है हिंदी, और जब हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो आमतौर पे हिंदी में ही होती है, और जब हिंदी या कोई भी भाषा जो हमारी मदर टंग होती है वो किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, चूंकि वो हमारी लैंग्वेज में रहती है, जब हमारी लैंग्वेज में रहती है तो आसानी से चीज़ें समझ में आती है। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि डॉक्टरी की जब पढ़ाई की जाए तो वाकई हर एक चीज़ समझी जाए, और हिंदी में पढ़ाई शुरू करेंगे MBBS की तो इससे सहूलियत ही होगी? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं बस कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। बायोकेमिस्ट्री को अगर हम जैव रसायन लिखते तब ट्रांसलेशन होता, या उसकी लिपि बदल देंगे तो ट्रांसलेशन होगा?
एनाटॉमी को हम शरीर विज्ञान लिखेंगे तब ट्रांसलेशन होगा, या एनाटॉमी इंग्लिश में होता है जिसे हम देवनागरी लिपि में लिख देंगे तो ट्रांसलेशन होगा? पहला प्रश्न ये है। दूसरी बात ये है कि हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए या हिंदी के विशेषज्ञ चाहिए? मेरा ये बहुत सीधा सा और स्पष्ट सा सवाल है। और वो हिंदी में डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने व्यापम जैसे सतत चलने वाले घोटालों से पूरे मध्य प्रदेश की युवाओं की एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, हमें हिंदी के प्रोफेसर चाहिए, तो वो जो जो शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी के विषय के लोगों को आपने अभी चयन क्यों नहीं किया है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इंतजार करते रह गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ध्यान भटकाने की राजनीति है इसका पार्ट है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद जब मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे तो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो पीजी की पढ़ाई करेंगे, तो पीजी की पढ़ाई कौन कौन से कॉलेज जो है वो करवाएंगे, यहाँ ये समझने वाली बात है। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो नीट की परीक्षा बिना कोचिंग के दे पाते हैं? तो आजकल मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास का भी जो परिवार है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक प्रतिगामी फैसला भी हो सकता है। एक बात मुझे याद आती है कि जो बिजनेस टाइकून लीजेंड रहे हैं रतन टाटा जी, उन्होंने कहा कि नैनो की जो मार्केटिंग है, मैंने जब इसे कह दिया कि गरीब की कार है, तो वो मार्केटिंग के हिसाब से ब्लंडर था और इसी वजह से नैनो कार जो है अपेक्षित सफल नहीं हो पाई। हम इसे आम आदमी की कार के बजाय अगर किसी और तरीके से लॉन्च करते तो शायद और सफलता मिलती। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि आज अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं है। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए, वो हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, उन सवालों से बचने नहीं दिया जाएगा। ठीक है आनंद जाट जी, फ्रांस में, रूस में, चीन में, जर्मनी में अपनी अपनी भाषा इनकी जो है उसमें पढ़ाई जाती है डॉक्टरी, तो क्या उनके पास ये तर्क नहीं होगा कि इंग्लिश चूंकि पूरी दुनिया में चलती है, सर्वमान्य भाषा है, सब कहीं भी इसको पढ़ लिख समझ सकते हैं, तो फिर हम अपनी लैंग्वेज में क्यों चलाएं? तो वहां भी इसी तरह का विरोध होना चाहिए होगा शायद, या होता है? देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है, मैं जर्मनी में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, मैं उनकी तरफ से बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर क्यों अमेरिका पढ़ने भेजते हैं नेता अपने बच्चों को, उन्हें क्यों अंग्रेजी पढ़ने देते हैं? मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों हमारे देश में पढ़ाई के लिए कोई संस्थान 18 साल में मध्य प्रदेश में डेवलप नहीं हुए क्या? अगर यहां कर दिए होते तो फिर क्यों पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जाना पड़ता किन्हीं के बच्चों को? नहीं, उसके बाद अच्छे पैकेज पे यहां वापस आते हैं आनंद जाट जी, वो जाते पढ़ने वहां पर है कि एक डिग्री उनको एक बेहतर मिले, एक नई चीज मिले, उसके बाद चूंकि विदेश से पढ़कर आए ना, विदेश से पढ़ के अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर आए हैं, तो आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आपको बढ़िया वेटेज मिलेगा यहाँ पे मोटी सैलरी के साथ। आनंद जाट जी आप आवाज क्यों म्यूट कर देते हैं, सुनने दीजिए ना आपको क्या बोल रहे हैं। कहती है कि सबको प्रतिष्ठा व अवसर की समता देते हैं, तो जब आप किसी को आउट ऑफ टर्न जो है गैर कानूनी तरीके से नौकरी दे देते हैं, गैर कानूनी तरीके से मेडिकल की सीट दे देते हैं, तो वो संविधान का उल्लंघन होता है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बच्चों को नहीं दे सकते हैं तो फिर इस तरह की थोथी घोषणाएं करनी पड़ती है। ठीक है दिव्या जी, इसका जवाब चाहिए, आनंद जाट जी ने तमाम सवाल पूछे। देखिए सुनील जी, बड़ा कंफ्यूजन है फिर से कांग्रेस में, उनको एक्चुअली पता नहीं है कि विरोध करना किस चीज का है। देखिए हमको कोई हिंदी लिटरेचर का ज्ञाता नहीं बनाना है, बिल्कुल सही बात है। और सुनील जी मैं तो डॉक्टर हूँ इसलिए आनंद जी जानते हैं कि मैंने वो सारी जब पढ़ाई करी है और मेरे साथ जब इस तरह की बहुत सारे बच्चे आते थे जो गांव से आए थे जी। उन्होंने जो एक बहुत सारा एक गैप झेला, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर झेला, एक पीयर प्रेशर झेला और एक एक अनकही भी खींची हुई रेखा थी शहर के बच्चों में और उन बच्चों में, और वो जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने डेवलप करा जब उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी और वो
ब्लैंक बैठे रहते थे क्लास में, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं। हम लोग उनकी आगे जाके मदद करते थे, समझाते थे, बताते थे। सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञाता नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदी लिटरेचर का ज्ञाता नहीं चाहिए, एक बोलचाल की भाषा में समझाने वाला वो सेंटेंस चाहिए जहाँ पे मेरुदंड को स्पाइनल कॉर्ड ही कहा जाएगा, मेरुदंड नहीं कहा जाएगा, आर्टरी और वेन ही कहा जाएगा, लेकिन उसके जो पूरा का पूरा सेंटेंस को पिरोया जाया चाहिए उसमें हिंदी का शब्द का प्रयोग करा जाएगा। इसमें इनको क्या आपत्ति है? अगर एक आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं उस पढ़ाई को उनको समझा सकूं, कंसेप्ट को समझा सकूं, तो कंसेप्ट समझना बहुत आवश्यक है, ना कि अंग्रेजी समझना। एक बात, मातृभाषा को लेकर गर्व करना कांग्रेस को कभी आया नहीं, इसलिए उनकी आपत्ति मुझे ध्यान है कि मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि उनके लिए बहुत आपत्तिजनक बात होगी। आपने बहुत सही बात कही कि इतने सारे जो विदेशों के आपने नाम लिए, ये सब देश जो है अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई, क्या हर पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करवाते हैं? उनको कोई दिक्कत नहीं है। जितने रिसर्च पेपर हैं वो रिसर्च पेपर भी अपनी भाषा में प्रसारित करते हैं और हम सब ट्रांसलेटेड उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। सियासत करने का, सियासत रंग देने का, किसी भी चीज का अगर आपको जरिया बनाना हो तो आप जो मर्जी बनाएं, लेकिन दिशाहीन सियासत मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो सियासत जो किसी के काम आ सके, वो काम जो किसी के काम आ सके उस पर सियासत हो तो बहुत अच्छी है, बात तो है। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, किसी के काम आ सके इस तरह का आपने तैयार कर दिया सिलेबस। दिव्या जी, पीजी में जाने के बाद स्टूडेंट का क्या, थीसिस देने के वक्त स्टूडेंट का क्या, प्रेजेंटेशन देने के वक्त स्टूडेंट का क्या? देखिए, तीनों बातें बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि ये जो तीन सब्जेक्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं किताबों के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये पहले तीन सब्जेक्ट्स ही होते हैं जहां पर आते ही हमको इंट्रोडक्शन होता है इन सब्जेक्ट्स का। तो ये तो तीन किताबें आ गई। अब आप शनै शनै जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आप उन शब्दों के साथ भी और उन उस सब्जेक्ट के साथ भी आप अपना तारतम्य जमाते चले जाएंगे। वो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कल्चरल शॉक मिलता है, वो कल्चरल शॉक से अब आप उभरते चले जाएंगे। अब आप अपनी पढ़ाई बाइलिंगुअल भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब यूनाइटेड नेशंस आज आपको परमिशन देता है कि आप अपनी भाषा में भाषण दे सकते हैं, तो क्या आपको इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी ट्रांसलेटर्स उपलब्ध होते हैं? और यदि मुझे पढ़ना ही होगा तो गूगल ट्रांसलेटर मेरे पास है आज पढ़ने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज हम इस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी मानसिक गुलामी अभी तक जा नहीं रही है। जो हम अभी अंग्रेजी का पल्ला पकड़ के अभी भी तैरना चाहते हो, हमारी बेड़ियां कटी नहीं है, हम अभी भी बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से हम ग्रो नहीं करना चाहते। ठीक है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि आरएक्स की जगह आप श्रीहरि लिख दीजिए, तो टू टैग से श्रीहरि को कैसे कन्वर्ट कर रहे थे वो, कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है, थोड़ा दिव्या जी मुझे समझाएंगे। सुनील जी, देखिए, यहाँ ट्रांसलेशन कैसे किया उन्होंने? नहीं, वो उनका अपना एक उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आरएक्स को हम श्रीहरि ही लिखेंगे तो ही क्रोसिन की टैबलेट लिखी जाएगी और तो ही ऑगमेंटिन लिखी जाएगी और तो ही कॉम्बिफ्लेम लिखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने उसका कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करा है। अगर किसी का मन हो आरएक्स लिखने का, किसी डॉक्टर का, तो वो आरएक्स लिख के आगे क्रोसिन भी लिख सकता है, अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखे। जब मुझे अपने पेशेंट को समझाना होता है कि गोली तुमको दिन में दो बार लेनी है, तो मैं उसको बीडी में लिखूंगी और लेकिन हिंदी में सुबह और शाम भी लिखूंगी। अगर टीडीएस लिखना है तो टीडीएस भी लिखूंगी, लेकिन सुबह दोपहर शाम मैं हिंदी में भी लिखूंगी। लेकिन आप तो क्या इससे मैं गलत डॉक्टर? आप उसमें जय माता दी लिखेंगी, आप उसमें जय श्री राम लिखेंगी, आप उसमें जय हनुमान लिखेंगी? देखिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते अभी भी जो आरएक्स लिखती आ रही हूँ वही आरएक्स लिखती आऊंगी। ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसकी जगह आप श्रीहरि लिख दीजिए, वो एक उनका एक कहने का प्रेजेंटेशन का तरीका है। उन्होंने ये उसका आदेश रूल ये नहीं बनाया है कि आप श्रीहरि लिखेंगे तो ही आप प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका प्रेजेंटेशन को तोड़े मरोड़े ना जाए। उन्होंने कहा यदि हम उसको ऐसे भी लिख दे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब वो ऐसा कह रहे थे कि कोई काम की शुरुआत भगवान के नाम से कर दीजिए,
इसी तरह फिर नीचे क्रोसिन लिख दीजिए, यही चाह रहे बहुत थे सारे आनंद जाट जी। आप यही समझे हैं, कुछ और समझे हैं, या आप विपक्ष में तो उस हिसाब से समझे, क्या समझे सर? प्रभु का स्मरण तो हर जगह करना ही चाहिए, वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि श्री हरि के भरोसे हो जाइए, ये सीधा सिंपल है। लेकिन मैं कुछ ट्रांसलेशन आपको सुनाना चाहता हूँ जो इन किताबों में है। नहीं सर, मैं उस पर आऊंगी आपसे, वैसे श्री हरि का मैंने लिया, पंकज जी से भी बात करेंगे ना। ट्रेकिया और हार्ट से अटैच्ड होते हैं। हाँ कुछ पूछ रही है सोनल जी? मैं पूछ रही हूँ सर, मैं बोल रही हूँ आपसे कि इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। श्री हरि का भर चाहिए था मुझे कि आप क्या समझ रहे हैं उससे। आप संभल संभल कर चल रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। पंकज जी की तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज जी, फायदे होंगे हिंदी में MBBS की पढ़ाई के कि नुकसान होंगे, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए सुरल जी, इस पूरी चर्चा में जो चल रही है इसके तीन बिंदु। एक सबसे बड़ा बिंदु है हिंदी को लेकर चेतना का, कि हिंदी को लेकर कितनी चेतना समाज में आनी चाहिए, वो बड़ा सवाल है जो अभी पूरी चर्चा में था। दूसरा सवाल था कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बात हुई थी कि वो प्रेशर में होते हैं सांस्कृतिक रूप से, कि भाषा उनकी चेंज होती है हिंदी पढ़कर या बोलियों में, बुंदेलखंड से, मालवा से, निमाड़ से व्यक्ति आता है, वो एकदम से अचानक अंग्रेजी कल्चर में आ जाता है। और तीसरा मुद्दा है कि जब वो डॉक्टर बन जाता है तो कैसे मरीजों के साथ में उसका व्यवहार होता है, कैसे वो डील करता है, कि BD लिख कर छोड़ दिया या बताया कि सुबह शाम लेना है, तो वो उसकी जो भाषा होगी वो हिंदी भी हो सकती है, वो बोली भी हो सकती है। जो अगर बुंदेलखंड में है तो वो बुंदेलखंडी में बात करेगा, निमाड़ में है तो निमाड़ी में बात करेगा। तो हिंदी को बढ़ाने के लिहाज से हर कदम का स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो चुनौतियां हैं, जो भी इस चर्चा में भी सामने आ रही है, कि हम यहाँ पर इंग्लिश में बात हो रही है, हम मेरुदंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर आता है तो उसे हिंदी में पढ़ने को मिले, देवनागरी में पढ़ने को मिलेगा, रोमन में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन शब्दावली नहीं बदलेगी। आप चाहे फ्रांस में जाइए, चाहे चीन में जाइए, चाहे आप भारत में रहिए, चाहे आप भारत के किसी और प्रांत में, साउथ में जाइए या किसी और राज्य में जाइए, वो जो एनाटॉमी के शब्द हैं वो वही रहेंगे, वो नहीं बदले जा सकते हैं। तो उस लिहाज से पहल है, बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे उसको व्यक्ति समझता है और हम उसको कितना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव बुक्स हम उपलब्ध करवा पाते हैं। दो तीन किताबों से नहीं, लगातार रिसर्च होती है, लगातार पेपर्स आते हैं, तो एक सेतु के रूप में ये प्रयोग अच्छा हो सकता है। लेकिन बड़ी चुनौतियां तंत्र के सामने है कि वो कैसे डॉक्यूमेंट, ज्यादा से ज्यादा किताबें हिंदी में, जिसे हम इंग्लिश कहना चाहिए, उसमें उपलब्ध करवाते हैं, बच्चों के लिए आसानी होगी। वरना अभी तक जो हिंदी में, चाहे हम PSC देखें, UPSC देखें, वहां जो लोग हिंदी में अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होती है कि जो पेपर होता है वो हिंदी में इतना क्लिष्ट हो जाता है कि उसको समझने के लिए उन्हें इंग्लिश की तरफ जाना पड़ता है। तो कहीं ये पहल ऐसी बनकर न रह जाए। नहीं, वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है वैसे पंकज जी, जितना ट्रांसलेशन उसका हुआ है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड लिखना है वहाँ लिखा हुआ है, भले आप उसको ब्रैकेट में मेरुदंड लिख देंगे, उसकी स्पेलिंग लिख देंगे, लेकिन वो समझने के लिए है। कि जैसे अभी आनंद जाट जी कह रहे थे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो आनंद जाट जी के अनुसार जो गरीब का बच्चा है जो नहीं पढ़ पा रहा है, या जो बेचारे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में, उन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, फिर वो डॉक्टर बन ही नहीं सकते क्योंकि फिर वो क्राइटेरिया ऊपर हो गया। तो इसीलिए ये एक रास्ता निकाला है, तो आप इसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल, शुद्धता का आग्रह नहीं होना चाहिए कि आप उसको एनाटॉमी को शरीर विज्ञान क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो शुद्धता के आग्रह पर यदि हम जाएंगे तो जरूर हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। लेकिन एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज बनाने के लिए, जिस तरह से ब्रिज कोर्स चलते हैं, उस तरह से यदि इस पढ़ाई की शुरुआत होती तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। जी आनंद जाट जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए। कुछ शब्द आप बता रहे थे जो आप उनको कन्वर्ट करके बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी यही हिंदी, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी हिंदी बोली जाती है, मैं भी मध्य प्रदेश की, मैं यही सोचती हूँ कि सर हिंदी को जीवित रखने के लिए और समझने के लिए अच्छा है कि साथ साथ में दोनों चले, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें और बाद में हिंदी से कंफर्टेबल हो जाएं, हम हिंदी मीडियम में पढ़ें और इंग्लिश से कंफर्टेबल हो जाएं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से कतई ऐतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि, और आपने मेरी बात को मिस इंटरप्रिट भी किया, कि गरीब के बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ते नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, नहीं कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा, नहीं आप समझे गलत सर, मैं बता देती हूँ मैंने क्या बोला। जाट अब आप बोलेंगे मेरी बात पे, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि फिर गरीब के बच्चों को हक ही नहीं है कि वो मेडिकल की पढ़ाई करें क्योंकि वो तो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। आप मेरा नाम लेकर मत कहिए, आप कह दीजिए। नहीं आपने कहा ना, मैंने नहीं कहा ये बात, आपने कही, ये मैंने नहीं कही, नहीं समझा उस बात को। हाँ तो समझाइए सर, फिर आपने मिडिल क्लास फैमिली कहा कि सब सब उसमें पढ़ाते हैं सर, इतनी महंगाई है ना, नहीं पढ़ाते सब, आज भी बहुत मुश्किल है पढ़ाना। देखिए क्या है कि जब व्यापम घोटाला होता है तो व्यापम घोटाला गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है,
उनके पास संविधान ये गारंटी देता है कि सबको प्रतिष्ठा व अवसर की समता होगी। जब आप आउट ऑफ टर्न जाकर असंवैधानिक तरीके से लोगों को डॉक्टर बनने के लिए आगे कर देते हैं तो उस गरीब बच्चे का हक मर जाता है। और आज जो है, अगर आप ये डाटा उठाएं कि बिना कोचिंग के कितने बच्चे नीट जा रहे हैं, नीट से सिलेक्ट होकर आगे आ रहे हैं, तो वो देखेंगे कि गरीब बच्चों का प्रतिशत जो है वो 10 से भी कम होगा, 5 से भी कम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर तैयार कर दी गई है कि कोचिंग के बिना या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े बिना या अंग्रेजी की पढ़ाई के बिना, और अब आप एक रिवर्स गियर और लगा रहे हैं ताकि वो जो जो हिंदी के मध्य जो दुराग्रह रखते हैं हिंदी के प्रति, वो लोग जो है वो वोट बैंक सेट हो जाए। इसके अलावा इस योजना का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप बताइए कि एक क्लास में आप हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के साथ में क्लास लेंगे क्या? अगर हाँ तो बताइए कैसे। आप इसका पूरा रोडमैप तैयार कीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगातार ये घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैं एक साल में 1,00,000 रोजगार दे दूंगा, सरकारी नौकरियां दे दूंगा। रोडमैप कहाँ है? केवल जबानी जुबा तो कह रहे हैं। ये आनंद चाट जी कहना चाह रहे हैं, दिव्या जी जल्दी से समझाइए, वक्त कम है, कि आपकी कोशिश अच्छी है लेकिन कच्ची है, तैयारी नहीं की, रोडमैप नहीं बनाया, अभी तो सिर्फ 3 किताबें जो फर्स्ट ईयर में आती हैं, आगे क्या? आगे भी आएंगी किताबें। आनंद जी ने फिर से एक टर्म यूज कर दी, उन्होंने कहा हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। तो साहब, अंग्रेजी में बात करना फॉरवर्ड है और हिंदी में बात करना रिवर्स गियर हो गई। तो आनंद जी, नहीं नहीं नहीं, अब आपने कहा है इस बात को, तो हम अगर अपनी मातृभाषा में बात करें तो वो रिवर्स गियर हो जाती है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद हो गया। मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम उन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं जो अपनी मातृभाषा के प्रति। और मैं आपको बता दूं सोनल जी, मेरी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने के बावजूद, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है कल, कि मैं एक वाइवा फेस कर रही थी सर्जरी का, और फेस करते करते वाइवा का जवाब देते देते मैं एक जगह इतनी बुरी अटकी कि मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में जवाब दे दूं तो क्या मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी। और मैंने एग्जामिनर से परमिशन ली, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको हिंदी में समझा सकती हूँ। एग्जामिनर ने बोला हाँ ठीक है समझा दो। और मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, टर्म्स वही। मैंने हिंदी में जवाब दे दिया तो क्या मेरे मार्क्स कटे? मुझे फुल मार्क्स मिले। कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए, मुझे समझाते आना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं, आनंद झा जी ने एक बात और कही दिव्या जी, पता नहीं आप उसका जवाब देना चाहेंगी कि नहीं। व्यापम घोटाले का बार बार जिक्र कर रहे थे, ऐसा मत कीजिए, ऐसे डॉक्टर्स मत तैयार कीजिए जिस तरह के समय समय पर उदाहरण मिलते हैं। ये आपके प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधी जो घोटाले हुए हैं उससे दरअसल उसकी ओर इशारा था उनका, एक विपक्ष में बैठे होने के नाते उनकी चिंता भी, और ये सही भी है, ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में। पंकज जी बहुत संक्षेप में कि ठीक है, ये प्रयास अच्छा है, कोशिश अच्छी है, 75 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है, और आनंद जाट जी को तो लगता है जो कुछ हुआ है ये ही बीते 8-10 सालों में हुआ है, बाकी पहले सब बहुत बढ़िया था। लेकिन इन सबसे इतर आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जब बच्चे बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो क्या कॉम्पिट कर पाएंगे वहां पर, और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे? वहां कोई प्रैक्टिकल दिक्कत नहीं आएगी, तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी उनको? देखिए, जो बात पूरी लबोलुआ यही है कि आत्मविश्वास बनाने के लिए ये पहल अच्छी है जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शब्द तो उन्हें अंग्रेजी वाले ही पढ़ना पड़ेंगे। हाँ। बाहर जो भी रिसर्च पढ़ना है वो अंग्रेजी में एक सेतु बन जाएगा, वो शुरुआत अच्छी कर पाएंगे, लेकिन बाद की जो मुश्किल है उनको दूर करने के लिए सपोर्टिव किताबें तत्काल तैयार करनी पड़ेंगी। और बच्चों को भी साथ ही वो ये बांध करके, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आगे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर तो इंग्लिश में आ रहे हैं, आप ट्रांसलेट करिए जैसे पढ़िए, लेकिन आपकी समझ को आप बंद नहीं कर सकते हैं, समझ का दायरा खुला रखना पड़ेगा, एक रास्ता बनेगा हिंदी के माध्यम से कि वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम ये मानकर बैठ जाए कि हिंदी में ही काम होगा, हिंदी के अलावा हम दूसरी भाषा को लेकर या दूसरे रिसर्च पेपर आ रहे हैं उनको लेकर अपने दरवाजे बंद कर देंगे, अपनी खिड़कियां बंद कर देंगे, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। दोनों ही मुद्दों पर चुनौतियां हैं, दोनों ही को समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा तो ही ये मामला सफल होगा, वरना हिंदी विश्वविद्यालय जैसा प्रयोग भी अगर विफल होने की कगार पर तो वो इसीलिए है कि एक कुंठा के साथ में काम शुरू हुआ और कुंठा के साथ में वो खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और यदि वो पहले मतलब फर्स्ट ईयर में कंफर्टेबल हो गए तो धीरे धीरे अपने आप इंग्लिश भी उनकी लैंग्वेज में आ जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि फिर आसान हो जाएगा पढ़ना उनके लिए। और वो जैसे कहा कि एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देंगे, लाइनें जोड़ना शुरू कर देंगे, दिव्या जी ने कहा था, वो वाकई में इस तरह से होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज में होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो चीज़ हमारी लैंग्वेज में आती है वो हमें समझने में समझाने में आसानी होती है। आनंद जाट जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी, दिव्या जी आपका भी बहुत
बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल अखाड़ा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।